Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan and welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. In this video, I'm gonna start the very first video of the session where we'll be comparing institute. And a very good news, agar aap bhi aise colleges ko compare karana chahte hain, then let me know in the comment section below. So in this video, we have three colleges ko compare kar rahe hain, IBS Hyderabad, IMT Hyderabad and SIBM Hyderabad. Yeah, all these colleges which is in Hyderabad. Yeah, I think Hyderabad is becoming more popular when it comes to MBA because earlier the top cities were Bangalore, Pune, Mumbai and Delhi. But abhi hum usko utna hot nahi bolenge, but yeah, ek destination banti ja rahi hai kai sare colleges ki wajah se. But jab baat Hyderabad ki ho, there are so many colleges, right, from NMIMS to IBS to IMT to SIBM. So which are good, par isme hum in teeno ko compare kar lete hain. Sabse pehle, अगर आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, IBS हैदराबाद, तीनों ही हैदराबाद में है. अफिलिएशन एंड अक्रेडेशन की बात करें, UGC ASCSB का अक्रेडेशन है. IBS हैदराबाद 1995 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसके पास नाक का ए ग्रेड अक्रेडेशन है. वायरस अगर हम IMT हैदराबाद की बात करें, 2011 का कॉलेज है, AICT अप्रूव्ड है एंड इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. वायरस इफ यू टॉक अबाउट SIBM हैदराबाद, यार 2014 का है, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है एंड प्राइवेट है, नाक का अक्रेडेशन है ए ग्रेड. अब ये था अफिलिएशन एंड अक्रेडेशन और एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें सबसे पुराना कॉलेज है IBS, देन दूसरा पुराना कॉलेज है IMT एंड तीसरा पुराना है SIBM हैदराबाद. अब आप सोच रहे होंगे पुराने की बेसिस पे तो मुझे IBS ले लेना चाहिए, पर यार पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पूरा वीडियो ज़रूर देखो, इम्पॉर्टेंट है अगर तुम कन्फ्यूज हो तो. फी स्ट्रक्चर सबकी 15, 16, 17, यही इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा, तो उस पर डिटेल डिस्कशन करने के लिए मैं यहाँ बकलोली करने नहीं बैठी हूँ. बहुत सारी लाइट्स एंड विद दिस गर्मी, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एक चीज़ है जो मुझे लगता है, कैंपस वाइज बात करूँ तो IBS हैदराबाद का कैंपस बहुत अच्छा है, फैकल्टीज अच्छे हैं तीनों ही कॉलेजेस के, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आप अगर फैकल्टी वाला पॉइंट लोगे तो आपको समझ मतलब सोचना पड़ेगा. अच्छा है, 10 में से अगर मुझे रैंक करना पड़े तो मैं IBS हैदराबाद को आई थिंक 7.5 दूंगी, IMT हैदराबाद को मैं 8.5 दूंगी, बिकॉज मैंने बहुत सुना है इवन IMT हैदराबाद इज़ बेटर देन IMT नागपुर, तब की नागपुर बाद में पहले इस्टैब्लिश हुआ था, पर दे आर पुटिंग एफर्ट्स, वो ग्रो ज्यादा कर रहा है बहुत तेजी से. मैटर ये नहीं करता है कॉलेज कितना पुराना, पर कितनी तेजी से वो भाग रहा है. यार आपने सुना होगा ना, आई डोंट लाइक टू वर्क विद पीपल जो बहुत स्लो होते हैं, राइट. मैं खुद भागना पसंद करती हूँ, तो मुझे ऐसे लोग के साथ काम करना पसंद है जो खुद भी भाग रहे थे. यार कॉलेज जब ग्रो कर रहा है तो उसमें आपके पास एडवांटेज है. वरिज SIBM हैदराबाद सिम्बियोसिस का ब्रांड है, बट सिम्बियोसिस का ब्रांड के साथ ये कैसा ऑप्शन है वो हम डिस्कस करेंगे. कॉन्स में IBS हैदराबाद के साथ प्रॉब्लम इज अ ह्यूज इनटेक. ह्यूज इनटेक के साथ होता क्या है, एक कंपनी जो 8-10 लाख का पैकेज लेकर आती है वो 2-3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिक्रूट नहीं करती है, लेट्स से 5 स्टूडेंट्स. जो बल्क रिक्रूटर्स होती हैं, जो 20-25-30-50 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके ले जाती हैं, उनका पैकेज बहुत कम होता है. तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है जहाँ पे आपको ये रियलिटी में करना पड़े. बहुत सारे लोग कहेंगे यार व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बट यस इट इज़ ट्रू. वेयर इज IMT हैदराबाद एंड SIBM का इनटेक कम है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एडवांटेज मिल सकता है. तो अगर हम इनटेक वाइज और कॉम्पिटिशन वाइज बात करें तो मुझे लगता है IMT हैदराबाद एंड SIBM हैदराबाद ज़्यादा बेटर ऑप्शंस रहेंगे कंपेरेटिवली टू IBS हैदराबाद. नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्क्रीन दोबारा से हम देखते हैं. जैसे कि अगर हम हाइएस्ट पैकेज की बात करें, IBS हैदराबाद की 10,80,000, एवरेज CDC 7,48,000, हाइएस्ट ऑफ IMT हैदराबाद 16.5, एवरेज 7,64,000, हाइएस्ट ऑफ SIBM हैदराबाद 13, वेरज एवरेज 7,92,000. तीनों की एवरेज कहीं ना कहीं 7, 7.5, 7, 7.5, 7, 7.5 लाख है, पर इनमें मुझे लगता है जो कॉलेज यू कैन ऑप्ट इज IMT, बिकॉज येस द फैकल्टीज, इट्स ग्रूमिंग, द प्रोफाइल्स ऑफ कंपनी. लोएस्ट पैकेज इन कॉलेजेस में भी 4, 4.5 लाख के आते हैं, भले हम IMT की बात करें, हम IBS की बात करें, किसी भी की भी बात करें, तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद दी स्टूडेंट्स, राइट. सो लोएस्ट पे नहीं जाना है, बट अगर आप अच्छा प्रोफाइल पे हो, आप काम कर रहे हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं. तो अगर आप इन तीनों कॉलेजेस में कंफ्यूज्ड हो, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक्सपोजर, फैकल्टीज, इनटेक मैटर नहीं करता है,
आरओआई मैटर नहीं करता है तो आप आईबीएस चूज कर सकते हो. अगर आपको एक्सपोजर, फैकल्टीज, इनटेक, कंपटीशन, आरओआई मैटर करता है, आईएमटी समथिंग व्हाट यू कैन लुक फॉर. इफ यू आर समबडी हु जस्ट वांट टू गो विद ब्रांड, राइट, कॉलेज लाइफ, राइट, एक्सपोजर, तो उस केस में आप एसआईबीएम हैदराबाद ऑप्ट कर सकते हो. लेट मी जस्ट tell you one important thing which I say in each one of my video that profile matters a lot. Yadi teen colleges hai, main tumhare sath shopping karna jaati hu, bahut sara confusion hai. Agar main tumhare sath shopping karne jaati hu to zaruri thodi na yaar jo cheez tum khareedoge wahi cheez main khareedungi, because mera taste, meri choice, mera budget sab kuch alag hai. The same ways college goes. Tumhari profile, tumhari expectation, tumhari specialization, tumhara budget, तुम्हारा एक्सपोजर, ये बहुत डिफरेंट वेरी करेगा. तो उसके हिसाब से कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर तुम अभी भी नहीं डिसीजन ले पाए हो, आई हैव टोल्ड यू अमंग ऑल दीज थ्री कॉलेजेस, एज फॉर मी आईएमटी इज समथिंग व्हाट यू कैन ऑप्ट. बाकी अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चूज करना है उसमें कन्फ्यूज हो, तो यार नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करना है. एंड ऑल आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग राइट बी स्कूल. सो दिस वाज अ स्मॉल स्वीट शॉर्ट वीडियो ऑन कंपैरिजन बिटवीन IBAs, IMT and SIBM Hyderabad. I hope it was helpful. If yes, hit the like button, share it with your friends, and for more such videos like this, keep watching my channel. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.